चलो भाई चलो चलो चलो, लाइट चेक करो यार। हाँ जी, कितना ठीक हो सारे? होप सारे बढ़िया होंगे, क्योंकि बाबा जी की मेहर है, बाकी सारे ढेर है। आज मैं अपनी लाइफ की पहली ऐसी ट्रिप पे जा रहा हूँ जहाँ पे हम जाएंगे बाइकों पे। बाइक होएंगी रेड कलर की होंडा गोल्डविंग, वो ब्लैक खड़ी है, ओ माय गॉड। बाकी हमारे साथी कुछ यहाँ खड़े हैं, काज कुछ आ रहे हैं। ये फ्लैग ऑफ एरिया है और वो देखो, इसको बोलते हैं मुकरबा माउंट, मतलब कचरे का ढेर। तो भाई मजेदार फर्स्ट ट्रिप है, कुछ नहीं पता कैसे होता क्या नहीं होता। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मुश्किल से 10 मिनट में निकल जाएंगे। सामान वामान सब कुछ आ गया है, एक बैग इसमें पड़ा हुआ है देखो, और एक बैग पड़ा हुआ है इस वाले में। गाने सुनते हुए जाएंगे, फुल पावर इसमें गाने बजेंगे। और मैंने पीछे बैठना देखो, यहाँ पे एकदम कम्फर्टेबल सीट है भाई, मतलब घर के सोफे इतने कम्फर्टेबल नहीं जितनी ये सीट कम्फर्टेबल है। देखो बाकी बंदे भी आ गए, हिल स्टेशन जा रहे हैं पहाड़ों पे बाइकों पे। ये ओ माय गॉड, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। ये आ गई है एक टूरर हमारी ट्रम्फ, एक भाई Z900। वू क्या हाल भाई, कैसे हो? रेव करना रेव। ओ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी पहाड़ों पे? तभी डीवी कलर लगाया। भाई ऐसे एग्जॉस्ट के ना पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो इस चक्कर में भाई ने चेंज करवाया है। ओके रिपोर्ट। गाइस देखो, जैसे हमारे हेटर जलते हैं वैसे यहाँ पे कुछ जल रहा है, ऐसे जलते रहो मेरे भाइयों, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई चढ़ेगा ऊपर, हेटर्स तुम्हारी बहन का डन 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 डन। चल फोटो खींच खींच के मशहूर कर दो बाइक। हाँ हाँ भाई, बैठ के दिखाओ जरा। कितना तेल लग गया तुम्हारा आने का? तेल का तो कुछ नहीं कह सकता, बस आप लोगों का प्यार है जो आपसे मिलने के लिए। भाई यहाँ बंदे रुके हुए हैं, रिएक्शन बाइक चेक कर रहे हैं, बस सिर्फ देखने आए आप लोगों को। देखो देखो भाई आपकी बाइक है, बस बैठना मत। देखो देखो खुल के देखो भाई, एक बाइक और आ गई हमारे साथ, GSX 1000। सुनाइयो भाई, ये ऑनर है बाइक के, क्या हाल है भाई? आपको डर नहीं लग रहा पुलिस वाले रोक लेंगे ऊपर पहाड़ों पे? है लीगल है? हर बंदा यही बोलता है भाई, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा वो इंस्टॉल हो जाएगा फिर आवाज खत्म, ये सही है भाई। इसकी तो लुक भी बहुत बढ़िया लग रही है भाई। अभी एक ही स्पोर्ट्स बाइक जा रही है क्या हमारे साथ? और भी है Z900 तो है, पर ये ज्यादा खतरनाक सी लग रही है। 4 लाख रुपए का लगो इसमें लगा हुआ है एग्जॉस्ट का। भाई ये तो मजा आ जाएगा, ये लगाएगा रेस लोगों से, हम तो लगाएंगे नहीं। गाइस फाइनली लाइनअप हो चुका है, पहले रहेगी स्पोर्ट्स बाइक हमारी Gixxer 1000, फिर अपनी रहेगी रेड होंडा गोल्डविंग, फिर अपनी ट्रम्प, वाओ, फिर रहेगी हमारी ब्लैक वाली होंडा गोल्डविंग। अरे वो यार वीडियो बना दो यार, कंटेंट खराब हो जाएगा। फिर लास्ट में देगी G900। एक बाइक और आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं, शायद अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सारे यहाँ पे खज्जल हो रहे हैं। गर्मी बहुत है और बुरा हाल है भाई गर्मी से, और इतनी मोटी जैकेट पहन के घूमना पड़ रहा है, अंदर सारा पसीने पसीने हो रखा काम। चलो भाई, गाइस एक बंदा जिसने आना था वो आया नहीं, हम निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत देर से वेट कर रहे थे भाई, रात से सुबह हो गई है। चलो got drunk off your love and I lost myself again, you hit just like a drug, this time I won't let you in, you're playing with fire, the wild and I'm the prey, but this time I won't collide like I did yesterday. ये देखो बिजार, अभी हम यहाँ पे पानी लेने रुके थे, ये हमारी बाइक के पीछे पड़ गया लाल रंग का देख के भाई, इसलिए दूर खड़ी करी है भाई, ये पागल होते हैं, उड़ा उड़ू देते हैं किसी को। एक ही एक दे दो पानी की बोतल खाली, ठंडी देना। लेकिन गाइस देखो, बाइकर्स के लिए ऐसा है, क्या बोलते हैं इसको, वाटर बैग। अब हमारे को पानी की बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोड नहीं, बस ये ऐसे पैक हो जाएगा और जहाँ मन करेगा भैया सिर्फ मारते रहेंगे इसमें से। मतलब शराब भी डल जाती है? ओ माय गॉड भाजी यार, फ्रेम क्यों खराब कर रहे हो? चलो भाई ये हो गया बढ़िया सीन। अभी ये तेरे पास नहीं है क्या?
भूल गया बुलाना तो है। पाइप नीचे लग रही है। अच्छा ये ऐसे लगेगा, हेलमेट में आ जाती है। देखो गाइस बातचीत, हाँ कितने का आता है? रकम ज्यादा बताओ, लोग तभी तो मानते हैं। रकम ज्यादा बताओ तभी लोग मानते हैं। अच्छा ये होगा 25,000 रुपए में से 3,000 रुपए कम, इसमें जीरो कम कर लेना। पूरा पैक हो गया है, पीछे बैग में पानी डाल दिया, अब यहाँ से चलेगी सिर्फ सिर्फ दारू, ओ सॉरी पानी। ये देखो गाइस ये हेलमेट में लगेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? ओ देखो देखो भाई ये देखो, ओए होए होए क्या बात है क्या बात है। पानी ठंडा है और ठंडा ही रहेगा, इनके आगे फ्रिज भी लगा रखा इन्होंने। चलो भाई महेश दल्ले नाम का जो भाई रखा है, सामने घूम रहा है यहाँ पे। महेश भाई कैसे हो? महेश रेस शुरू हो गई है गाइस, पाजी आगे चले गए, अब देखो तुम जलवा। हाँ हाँ तो पाजी पीछे। गाइस चेकिंग चल रही है फुल पावर, बस को रोक के चेक हो रहा है भाई, गलत कांड हो रहा है यहाँ लग रहा है। सारे गैंगस्टर भरे हुए इसमें, चला चला पूरे एक घंटे में हम पहुंच चुके हैं अंबाला, और भाई अभी इसमें पेट्रोल फुल हो रहा है। क्या फुल करना भाई, 25 पेट्रोल डलवा के फिर आगे के लिए निकलेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? 25 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। 25 का मतलब कह रहे कितने का डाल रहे हैं? 25 का डाल रहे हैं। 25 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा रहे हैं बजट के हिसाब से। ये टंकी टंकी देखो गाइस, हम जा कर रहे हैं वैसे अभी, पहले नाडा साहब गुरुद्वारे जा रहे हैं, पहले गुरुद्वारे साहब मत्था टेकेंगे, वहीं लंगर करेंगे, लंगर फ्री ब्रेकफास्ट साइड लंगर दो, लंगर हॉल, उसके बाद आगे फिर जाएंगे कसौली या सोलन में से। कसौली या सोलन में से जाएंगे, अब जाके डिसाइड हुआ, और वैसे अभी भी डिसाइडेड नहीं है। इतनी मेरी एक्स नहीं बदलती जितने इनके डिसाइड बदलते हैं, बात बात पे ख़त्म हो जाते भाई। आगे हमारी दूसरी बाइक भी। गाइस अभी तक तो दूसरे बंदे आए नहीं हैं, अपनी दो ही बाइकें पहुंची हैं, पीछे तो बाकी बंदे पता नहीं कहाँ रह गए हैं, बल्कि उनके पास स्पोर्ट्स बाइक है, उनको तेज निकलना चाहिए हमसे, पता नहीं कहाँ हैं। और तुम्हारा भाई यहाँ कर रहा है आराम से चिल। अच्छा तो भाई वो बुला रहा है मुझे, चलना पड़ेगा गाइस, मुझे लग रहा है। जैकेट मैंने उतार दी थी भाई, इतनी गर्मी लग रही है ना, फिर भी ये जैकेट पहनना ज़रूरी है, नहीं तो राइड में जो पत्थर उड़ उड़ के आएंगे ना सीधा मेरे शरीर पर लगेंगे और जख्म हो जाएंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ ऐसे, और अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा ही मज़ा है। आग झपकते ही हम पहुंच गए निक बेकर्स चंडीगढ़। भाई बड़ी तगड़ी धूप हो रही है यार, बहुत बुरा हाल है। मैं तो जैकेट वैकेट उतार दिया, थोड़ा एसी तेज करवाया यहाँ पे। हल्दीराम में अभी हम फिलहाल, निक बेकर्स जाने का मन नहीं है किसी का, हल्दीराम बैठे हुए हैं और सबका वेट चल रहा है, पता नहीं कितना लेट कहाँ हो गए, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। स्पोर्ट्स बाइक होने के बाद एक बंदा तो दिखा है, एक बंदा आ गया, बाकी पता नहीं तीन बंदे कहाँ रह गए हैं, कुछ नहीं पता उनका, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, चेक करते क्या सीन है भाई। अभी अपने गाइस को क्या बताऊं, वो तीन चूती अलग हो गई भाई, वो तीन बंदे यार बुरा मान जाते ना गाइस मेरे, वो तीन बंदे आगे निकल चुके, उन्हें कट का पता नहीं लगा और हम आ गए हैं यहाँ पे, और लोकेशन हमारी चेंज हो गई, अब हम जा रहे सबवे, बजट बढ़ गया हमारा, पाजी साथ है ना हमारे इस चक्कर में। चलो गाइस अब सबवे जा रहे हैं, तुम भी मारता चलो, खाने को तुम्हें नहीं मिलेगा, खाली देखना हमें खाते हुए। गाइस हम सब आए हैं, पाजी बंद है अभी, चलो जी हमारी तो किस्मत खराब है भाई, हम सब भी आए सब भी बंद है। हल्दीराम गए वहाँ पे कह रहे हैं 20 मिनट लगेंगे खाना तैयार होने में। निक बेकर अब, निक बेकर अब बजट और बढ़ चुका है गाइस, भाई अब चल रहे निक बेकर, पता करते हैं निक बेकर का क्या सीन है। अगर यहाँ भी खाना नहीं मिला ना गुरुद्वारे का लंगर आई है, तो फिर हम तो गुरुद्वारे का लंगर सोच ही रखा दिमाग में। एक आपको पता है हम ऑप्शन साथ लेके चलते हैं, खुला भाई पहले बता दो यहाँ पे खुला है, चलो भाई क्योंकि ये तो महंगी जगह खोल ही देते हैं। हाय चलो भाई फाइनली यहाँ आप खाएंगे खाना, बहुत हो गया ड्रामा गाइस, फिर से प्लान चेंज हो गया।
अभी सोच रहे थे हम कि गुरुद्वारे जाएंगे और लेकिन यहाँ पे हमें चिकन मटन दिख गया, तो भाई कह रहा है कि गुरुद्वारे का प्लान वापसी का है। ये प्लान बहुत चेंज होते हैं भाई, इनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, निकलते कहीं है, जाते कहीं है, होते कहीं है और करते कुछ है। चल भाई मैं भी राइट टू कसौली पहुंच जाते हैं, सोलन वाया नाड़ा साहब जाना होता है, वाया निक बेकर जा रहे हैं। पाजी का क्या कहना है आपका, बताओ पाजी। नहीं नहीं कहना क्या है, कहना क्या है? मैंने कहा पाजी को आपका कहना क्या, कह रहे मेरा नाम जसप्रीत है। गाइस मेरे पूरा बच जाते हैं। गाइस बिल चेक कर लो, 3540 रुपए का नाश्ता हो रहा है। रूम हमने 2000 के लिए 3540 का नाश्ता कर लिया है और वो तीन बंदे जो आगे निकल गए वो खुश होंगे ये देख के कि चलो पैसे बचे। भाई तुसी बहुत हैप्पी बंदे हो यार, थोड़ा नाम हैप्पी था नहीं कितने। ये देखो लोग अपने बच्चों से ज़्यादा कुत्ते से प्यार करते हैं, कुत्ते को गोद में रखा हुआ है और बच्चा यहाँ घूम रहा, देखो कहाँ गया बच्चा, चला गया, माँ को कोई टेंशन नहीं, कुत्ते को लेकर गोद में बैठी हुई है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी माओ को ना। लो गाइस 3500 रुपए की पैटी देखो कैसे खाई जा रही है धीरे धीरे। खत्म ना हो जाए भाई। नाश्ता वास्ता कर लिया, अब चलेंगे सीधा पहाड़ों पे। बड़ा महंगा नाश्ता कर लिया, नाश्ता जेनुअन बहुत महंगा हो गया है। आवाज तेज करो, गाने सुनते हुए जाएंगे भाई। रब दी बना के मैं ता रेल भेजना। गाइस आखिर पहुंच गए पहाड़ों पे। गाइस ये देखो वादियाँ, हम पानी लेने रुके थे यहाँ पे, बस स्टॉप का नाम देखो कलोल। पूरा हमारे पे बस स्टॉप भी हमारे पे बना रखा है। फोटो शूट हो गया भैया? चलो बढ़िया। मेरा तो व्लॉग चल ही रहा है। चल भाई चल, और रुक जा जैकेट डाल दे भाई, अब नहीं पहन सकता जैकेट में। नहीं नहीं खोल खोल खोल, हाँ बहुत जगह इसमें तो। गाइस देख रहे हो इसमें एक 400 गज का प्लाट आ जाएगा। गाइस वो देखो भाई, लड़की है इतनी खतरनाक बाइक चला रही है ना, देखो देखो कहाँ भाई। ओ भाई एक रुको रुको, दिखाता हूँ तुम्हें, रुको लेकिन भाई। अरे वो गायब हो रही है। पता है हम उसकी वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। साफ ही तो है भाई, 200 मीटर आगे लेफ्ट साइड को, वहां इसकी एजेंसी है बाइकों की। बोलो भाई, पुलिस वाले ने स्पेशल रोक के तारीफ करी है बैठी। कह रहे भाई रुक जाओ जरा, हमें लगा पूरा चालान काटेगा। कह रहा भाई लव यू। लड़की के साथ रेस करते करते कब पता लगा हम पहुंच भी गए अपनी डेस्टिनेशन पे, शिवाना हिल्स। ये देखो हमारे दिलजीत पाजी भी आ गए हैं, बहुत देर लगा दी इन्होंने आने में, बट लेकिन मैंने लड़की जैसी ड्राइविंग और राइडिंग तो देखी ही नहीं। क्या बवाल कर रही थी भाई, नो डाउट मैं तो फैन हो गया भाई, नो डाउट।
मजा आ गया गाइज। अपनी दो बाइकें लग चुकी हैं, बाकी आ रही हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। बड़े आलसी और सुस्त बंदे हैं भाई। दिलजीत पाजी ने तो रेस, वो अपने साथ पाजी आते, जसप्रीत पाजी, उनका क्या हुआ? पेट्रोल डलवाने रुक गए यार। तुम्हें हमें तो रुकना चाहिए था उनके लिए, नहीं बोला था उनके आप चलो। हम तो लड़की के चक्कर में जल्दी जल्दी आ गए। वो लड़की ना होती तो हम भी धीरे धीरे चल रहे थे। वो लड़की ने हमें ऐसा प्री वर्कआउट का टीका दिया, कह रही चलो राइड करेंगे, और हम उड़ते हुए सीधा। बहुत बढ़िया भाई। हम लोग तो वेट नहीं कर रहे उनका, हम जा रहे हैं अंदर चेक इन करने। पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बहुत थके हुए हम तो भाई। मैं तो कल रात से नहीं सोया, आपको सही बताऊं, मैं तो इतने एक्साइटमेंट में था। इन्होंने कहा था 3 बजे निकल जाना है, मैं 2 बजे तक तो वेट करता रहा, नींद ही नहीं आ रही थी, पबजी खेलता रहा। फिर 3 बजे इसका फ़ोन आ गया निकलते हैं। फिर भी हमें निकलते निकलते सुबह के 5:30-6 बज गए, और अभी देखो 11 बज चुके हैं, हम पहुँच गए हैं। चलो जी, अरे एक साथ चाहिए कमरे। आइडिया दे देते भैया, सारी दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल वॉशरूम कहाँ पे है? ठीक, चलो भाजी एक बंदा और आ गया है। भाजी कहाँ रह गए थे आप? आपने देखी थी वो लड़की जो बाइक चला रही थी जावा वाली? अरे देख लो। अरे पाजी वो ऐसी राइडिंग कर रही थी, दिमाग खराब हो गया देख के। आपने नहीं, जावा नहीं देखी? फिर आपने, अरे बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है भाई। भाई फाइनली आ गए हैं, हमारे तीनों भाई भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। भाई सबसे तेज बाइक चलाते हैं वाले, ठीक है। सबसे ज्यादा खतरनाक बाइक इनके पास है, जिक्सर 1000। मतलब अगर किसी पे हो ना भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे अपने बारे में? किनके साथ? सैभी भाई के साथ। सैभी भाई को तो लड़की हरा गई खुद। लड़े भाई इसने कम से कम 15 मीटर लगाए उस तक पहुंच रहे हुए। और फिर मैं सच बता रहा हूँ क्या हुआ, वो हम 15 मिनट बाद उसके पास पहुंचे, वो फिर आगे दूसरे कट पे। भाई ये कर क्या रही है? तो गाइस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अब हम यहाँ सोएंगे क्योंकि कोई भी सोया नहीं है, है? भाई इसके बाद नेक्स्ट भी तो ब्लॉग बनाना है। अरे इसके बाद जो होगा, जो आप पैग लगाओगे वो दिखाऊंगा ना। चलो गाइस इसको करते हैं एंड, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे थोड़ी देर सो के। सबकी आंखें देख लो कैसे लाल है, नशा कोई नहीं करता यहाँ पे, आंखें नींद की वजह से लाल है। और पाजी को देखो, पाजी दिखाना आंख। पाजी डर के लोग मना कर रहे हैं। चलो भाई गाइस बाय।